कि एक लंबे समय से गठबंधन को लेकर चर्चाओं का दौर चल रहा था और हम लोगों का खैर था कि चुनाव के आसपास ही हम लोग गठबंधन पर एक अंतिम फैसला हम लोग लेंगे, पर बहरहाल जिस तरीके से हाल फिलहाल के दिनों में कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं और कुछ राउंड्स ऑफ मीटिंग भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं के साथ भी हुई है, तो ऐसे में गठबंधन पर एक फैसले के करीब हम लोग पहुंचने का प्रयास दोनों दल की तरफ से चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी की और हम लोगों की पार्टी की तरफ से भी। बट बहरहाल इस पे अंतिम मोहर, अभी कुछ राउंड्स ऑफ मीटिंग बाकी हैं, कुछ और क्लैरिटीज़ हैं जो एक बार हो जाती हैं और उन्हीं तमाम विषयों को लेकर आज सुबह हम लोगों ने अपने बिहार कार्यालय के ऊपर तमाम राष्ट्रीय एवं प्रदेश के नेताओं के साथ हम लोगों ने बैठक की, जिनमें अभी तक क्या क्या बातचीत हुई हैं उन तमाम बातों को साझा किया गया और अंत में तमाम नेताओं ने अधिकृत किया राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते मुझे कि गठबंधन पे जो भी फैसला हम लेते हैं वो उनको स्वीकार्य हो। तो अब देखिए अब आने वाले दिनों में कैसे कैसे और क्या क्या चर्चाएं होती हैं। आज आप नित्यानंद राय से भी मिले, क्या ये माना जाए कि वो एक दूत का काम कर रहे थे, कि सेंटर की बात आपको पटना में जाकर दी गई कि अब ऑलमोस्ट हमारी गठबंधन तय है और आप आइए एनडीए में? देखिए, उन्होंने बोला है कि जब भी मुलाकात होती है अच्छी बातचीत होती है और अच्छी बातचीत में यकीनन काम की भी बातें होती हैं और मेरी आज ही नहीं, इस दौरान भी कई राउंड्स ऑफ मीटिंग उनके साथ हुई हैं, काफ़ी चीज़ें हैं जो सॉर्ट आउट हुई हैं, कुछ हैं जो अभी और उस पर क्लैरिटी आ जाएगी, परंतु गतवा जब तक गठबंधन के भीतर चर्चाएं पूरी नहीं हो जाती उसकी जानकारी बाहर देना गठबंधन धर्म की मर्यादा को तोड़ना होगा, तो एक बार सारी बातें भीतर हो जाएं फिर उसको साझा भी किया जाए। आपके लोग चाहते हैं कि आप सरकार का हिस्सा बने, कब बनेंगे? चिराग पासवान मंत्री कब बनेंगे? भाई देखिए, आज जब हम लोग चुनाव की संध्या पर ऑलमोस्ट बैठे हैं, मुश्किल से 7-8 महीने ही बाकी रह गए हैं चुनाव को लेकर, तो ऐसे में प्राथमिकता कौन मंत्री बन रहा है नहीं बन रहा है वो नहीं, प्राथमिकता है लोकसभा चुनाव, हम लोग कैसे मिलकर लड़ें ताकि सबसे ज़्यादा फायदा हमारे गठबंधन को हो, विधानसभा का चुनाव कैसे लड़े, तो चर्चा उसको प्राथमिकता रखते हुए है, सीटों को, लोकसभा की, विधानसभा की, ना कि कौन मंत्री बन रहा हो नहीं बन रहा। गठबंधन दोनों के लिए होगा ना, विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव के लिए? भाई ये सारी चर्चाएं अभी चल रही हैं, जब ये चर्चाओं का दौर पूरा होता है तो जरूर जानकारी। तो आपके परिवार में चाचा भी है जो कि मंत्री है इस वक्त, उनकी पार्टी भी सक्रिय है, तो उनको कैसे आप पार्टी के अंदर या एनडीए के अंदर या आप कैसे देखते हैं? भाई मेरे लिए कोई फर्क नहीं पड़ता उनका होना नहीं होना, और जब आप शुद्धता राजनीति की अगर आप बात करते हैं तो राजनीति में जनाधार सबसे ज़्यादा मायने रखता है, जो जितना जनाधार वाला नेता है गठबंधन में उस हिसाब से उनकी अहमियत होती है, ऐसे में सब जानते हैं कि इनका क्या जनाधार है, बट बहरहाल अंतोगत्वा भारतीय जनता पार्टी को ये अलायंसेस सेट। एक आखिरी सवाल है आपसे, गठबंधन और सरकार में शामिल होने में कितनी देरी? जैसे ही चर्चाएँ पूरी हो जाएंगी।